हेलो एवरीवन आज करते हैं माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच राइट कॉकरोच में अगर हम देखें माउथ पार्ट्स वो किस तरह के हैं वो हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स राइट और कॉकरोच में हमने स्पेसिफिकली कॉकरोच से की शुरुआत करी है बिकॉज जो बेसिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स में वो कॉकरोच में है और बाकी सारे जो माउथ पार्ट्स हैं इन बेसिक पार्ट्स की मॉडिफिकेशन है राइट इसीलिए मॉडिफिकेशन से पहले वी शुड नो व्हाट ऑल आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ माउथ पार्ट्स बेसिक माउथ पार्ट्स ऑफ एनी इंसेक्ट ठीक है और बाइटिंग एंड च्यूविंग टाइप में वो सारे बेसिक फीचर्स होते हैं ठीक है चलो मैं दिखाती हूँ ये देखो कॉकरोच ऐसा दिखता है ना फॉर अ लेमैन फॉर एनी कॉमन पर्सन और कॉकरोच में अगर आप देखोगे तो दिस इज हेड दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एबडोम तीन पार्ट्स है ना अगर एम्ब्रियोनिकली भी हम देखें जो कॉकरोच का या इंसेक्ट्स का जो एम्ब्रियो होता है वो इस तरह से ना बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें राइट और ये जो सेगमेंट्स हैं ये सारे सेगमेंट्स जो है लेटर ऑन जैसे जो फर्स्ट सिक्स सेगमेंट्स हैं वो हेड बनाते राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो नेक्स्ट थ्री सेगमेंट्स हैं ना वो क्या बनाएंगे थोरैक्स बनाते और जो बाकी की रिमेनिंग टेन टू इलेवन सेगमेंट्स हैं वो एबडोमिन बनाते राइट सो यू सी वंस अगेन दिस इज हेड पोर्शन दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एबडोमिन ठीक है बट आज का हमारा फोकस जो है वो किस पे रहेगा ओनली ऑन द हेड रीजन बिकॉज हम माउथ पार्ट्स करें और माउथ पार्ट्स कहाँ लोकेटेड होते हेड रीजन में अगर दूसरी पिक्चर दिखाते ये देखो हेड रीजन जो है वो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस अब आप देखो हेड की जो uh, डॉसो साइड्स पे ये जो डार्क कलर के स्पॉट्स हैं ना ये क्या है कंपाउंड आइज ये दिखाई दे रही ये देखो और ये ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है ये, ये एंटीना है और ये जो पोर्शन है दिस फ्रंट पार्ट यहाँ पर जो है यू कैन से माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच आर लोकेटेड ठीक है इसको और हम करीब से देखें अगर हम इस पार्ट को ये देखो हेड को आप और ज़्यादा हम फोकस करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस ठीक है इसमें आप देखो कि ये तो कंपाउंड आइज ही हैं ये एक एंटीन है यहाँ पर आप देखो कैन यू सी ये ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इस तरह नॉस्ट पोर्शन ये जो प्लेट है ये जो है अपर लिप है या लेब्रम है ठीक है और ये जो अपडेजेज निकल रही है ना ये लेबियम के निकल रही है यानी कि लोअर लिप के निकल रही है और ये जो है ये है मैग्जिलरी पैल्प ये दिखाती हूँ बा, 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 बाद में पैल्प पी ए एल पी राइट सो राइट सो इसको मतलब व्हाट आई मीन टू से इज की जो हेड का जो इंटीरियर एंड है यहां पर यू विल सी दैट हेयर द माउथ पार्ट्स आर लोकेटेड हेयर अब इसको और फर्दर हम क्लोजली देखें तो यू सी देड विल लुक समथिंग लाइक दिस इसमें ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो हैं वो हेड के विजिबल हैं देखो जैसे मैं दिखाती हूँ ये जो पोर्शन है ना ये जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ दिस इज लेब्रम और अपर लिप ठीक है ये देखो लेब्रम के जस्ट दोनों तरफ अब प्रेस करने के बाद वही देख सके दीज आर मैंडिबल्स ठीक है और ये जो पोर्शन है इफ़ यू सी ये देखो ये टंग जो है प्रोट्रूड प्रोट्रिडाउटों के बाहर आई है और ये जो छोटे छोटे पोर्शन दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर और ये अपेंडेज इसको बोलते हैं लेबियम यानी कि लोअर लिप और ये जो पूरा पोर्शन है कैन यू सी दिस होल ये भी आ गया इसमें ये भी ये जो ये अपेंडेज मिला के ये बनाता है मैगजिला ठीक है ना यानी कि ये है अपर लिप और लेबरम ये दिस दिस इज लेबियम और लोअर लिप दिस इज टंग दिस इज़ मैंडिबल एंड दिस इज़ मैग्जिला अब हम इन पार्ट्स को अगर हम सेपरेट कर दें हाउ दे वुड लुक दे वुड लुक समथिंग लाइक दिस देखो वो पार्ट जो भी प्रेस करके दिख रहे थे वो पार्ट्स इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे दिस इज लेबरम और अपर लिप दिस इज लेबियम और लोअर लिप ऑन द साइड ऑफ द लेबरम आर पेयर ऑफ मैंडिबल्स ये देखो दोनों तरफ और जस्ट बिलो द मैंडिबल आर अ पेयर ऑफ मैग्जिला ठीक तो है लेबियम इज ऑल्सो देखो लेबरम तो सिंपल है जस्ट अपर कवरिंग है लेबियम इज नॉट सो सिंपल इट इज अगेन मेडअप ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स विच विल सी एंड इन द सेंटर इज हाइपो और टंग ठीक है अब हम एक एक पार्ट जो है इसका डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट वी कम टू लेबर ये देखो और लेबरम जो है हेड का इफ यू सी जो थर्ड सेगमेंट है ना एक्चुअली होता है क्या जैसे एम्ब्रियोनिकली हर एक सेगमेंट में जो है एक एक वो भी होती है अपेंडेज भी होती है इस तरह से तो पूरे सेगमेंट के साथ जो अपनेडेज है ना वो जो है अलग अलग पार्ट बना रही है तो लेबरम जो है थर्ड सेगमेंट ऑफ एम्ब्रियो की मॉडिफिकेशन है ये आप देखो एकदम ये तर एक तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ठीक है और इसके दोनों तरफ जो है मसल्स हैं जिस और ये वो पोर्शन है जो कि क्लाइपियस के साथ हेड का जो क्लाइपियस एरिया उसके साथ अटैच्ड है ठीक है और इस मसल्स की हेल्प से ये जो लेबरम है इट मूव्स अप एंड डाउन वेंट्रल साइड ऑफ द लेबरम में देर आर यू नो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं एपीफेरिंग्स ठीक है और मेन फंक्शन क्या है uh, लेबरम का कि इट सर्व्स टू होल्ड द फूड राइट और एक तरह से अगर कोई कैविटी है तो कैविटी की जो अपर ओपनिंग है यानी कि एंटीरियर एंड है वो कौन बनाता है लेबरम बनाता है दिस पार्ट ठीक है नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मैंडिबल अगर आप देखोगे तो ये जो ये जो पोर्शन है जो डार्क एंड पोर्शन है जो कि हाईली स्क्रोटाइज ट्राएंगुलर स्ट्रक्चर है और स्टाउट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एंड थिक पार्ट है जो कि मेन इफ यू सी कटिंग करता है दैट इज मैंडिबल राइट अब हम मैंडिबल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे इफ यू सी इट इज़ अ ट्राएंगुलर स्ट्रक्चर ठीक है और ये वो एंड है जिससे ये हेड से अटैच रहता है और यहाँ पर अब डॉक्टर और अडाक्टर मसल है राइट इनर साइड में अगर आप देखोगे द इनर साइड ऑफ द इज इन टू पार्ट्स ये जो लोअर एरिया है इसको बोलते हैं मोलर एरिया और ये जो अपर सॉफ्ट एरिया है इसको बोलते हैं प्रोस्थिका प्रोस्थिका में देर आर सेंसरी स्ट्रक्चर सेंसरी हेयर यू नो होते हैं और ये जो मोलर एरिया इसमें भी आप अगर आप देखोगे टीथ जो है जो डिस्टल टीथ हैं इफ यू सी दे आर शार्प लिटिल इनको जो इंसाइजर बोलते हैं और जो प्रॉक्जिमल टीथ है एंड की तरफ यहाँ की तरफ वो थोड़े से फ्लैट एंड है उनको एक तरह से हम मोलर पार्ट बोल देते हैं ठीक है अब आधोई ये अडाक्टर और अब डाक्टर मसल्स हैं ना इन मसल्स की हेल्प से अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंडिवल अंदर की तरफ मूव करेगा अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंडिवल वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा सो मूवमेंट ऑफ जो मैंडिबल है वो आ, जो है अडक्टर और अब, अबडक्टर की मसल से और इन टीथ की हेल्प से इट कट डाउन कट्स डाउन द फूड कटिंग का काम करता है ठीक है नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मैगजिला वहाँ दिखाता था ना डायग्राम में आपको फिर से दिखाती हूँ ये देखो ये जो पोर्शन है ना मैक्सिला का ये जो ये पूरा पोर्शन दिस दिस होल पोर्शन मेक्स मैग्जिला ठीक है जो मैंडिवल से नीचे की तरफ है इसलिए वो थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंडीवल के नीचे लोकेटेड है ये देखो अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर करें तो जैसे मोलर जो है सॉरी uh, मैंडिबल जो है फोर्थ एम्ब्रियोनिक सेगमेंट की मॉडिफिकेशन था उसी तरह ये जो है मैग्जिला है मैग्जिला जो है फिफ्थ एम्ब्रियोनिक सेगमेंट की मॉडिफिकेशन है फिफ्थ सेगमेंट जो है क्या बनाता है मैग्जिला बनाता है दिस इज मैग्जिला सिंगल को मैगजिला बोलते हैं प्लोरल को मैगजिली अब जो पार्ट हेड के साथ अटैचड होता है इट इज़ दिस पोर्शन जिसको बोलते हैं कार्डो ठीक है और कार्डो के साथ एट राइट एंगल एक और यू नो पोर्शन अटैच दैट इज इस्टाइप्स इन दोनों को मिल के क्या कहते हैं प्रोटोबोडाइट अब ये प्रोटोबोडाइट क्या है बायरैमिस है बायरेमस का मतलब क्या है कि प्रोटोबोडाइट से दो यू नो यू कैन से अपेन्डिज जो है फॉर्म होती है इसलिए इसको बोलते हैं बायरेमस वो दो कौन सी है अंदर वाले की तरफ उसको बोलते हैं एंडोपोडाइट और जो बाहर की तरफ ये जो निकल के आती है इसको बोलते हैं एक्जोपोडाइट तो पहले हम एंडोपोडाइट देखते हैं एंडोपोडाइट में इफ यू सी ये देखो आप ये जो स्टाइप की बेस पर है अब आप हेयर यूल फाइंड ऑन द इनर साइड राइट देर इज लेसिनिया और ये लेसिनिया एक तरह से छो, थोड़े छोटे मैंडिबल का, का काम करता है और यहाँ पर आप देखो अपर एंड पे सेंसरी ब्रिसल्स है और नीचे की तरफ जो है क्लॉ है या डेंटिकल्स भी बोलते हैं जो कि एक तरह से कटिंग में हेल्प करता है आउटर पार्ट जो है इफ़ यू सी दिस इज गेलिया जो कि एक ब्लंट है और इसका लाइक like, कटिंग में कोई रोल नहीं है एग्जोपोडाइट में इफ यू सी दिस इज दिस इज एग्जोपोडाइट एक्सोपोडाइट में यू सी दैट स्टाइप्स के बेस पे ही एक इस तरह से प्रोट्यूब्रेंस है जिसको कहते हैं पेल्पीफर पेल्पीफर से फाइव सेगमेंटेड अपेंडेज निकल कर आती है नीचे वाली जो दो सेगमेंट्स हैं दे आर स्मॉल जिनमें कोई सेंसरी ब्रिसल नहीं है बाकी जो रिमेनिंग थ्री सेगमेंट्स हैं जो मैग्जलरी पैल्प इसको मैगजलरी पैल्प बोलते हैं ये जो है दे हैव सेंसरी ब्रिसल्स ठीक है अब मैगजिले का, का काम क्या है कि ये जो एंडोपोडाइट है ये तो कटिंग में एड करता है और ये जो एग्जोपोडाइट पोर्शन है ये जो है सेंसरी आ, इन नेचर है और ये एंटीना को भी क्लीन करता है ठीक है वी कम टू लोअर लिप और लेबियम यस सी इसको सेकेंड मैगजिला भी बोलते हैं लेबियम को दिस इज लेबियम इसको सेकेंड मैगजिला भी बोलते हैं बिकॉज ऐसा लगता है जैसे दो मैग्जिला जो है फ्यूज़ होके लेबियम बनाते हैं और ये जो है मॉडिफिकेशन जो है लेबियम वो सिक्स सेगमेंट की है जो सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट है वो मॉडिफाई होके लेबियम बनाता है अब अगर हम इसको एग्जैक्टली exactly बीच में से काटें हेयर सी तो ये लगेगा जैसे दो मैग्जिले मैग्जिला हैव जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म वन ले जैसे मैग्जिला में प्रोटोपोडाइट था यहाँ पे प्रोटोपोडाइट क्या है प्रोटोपोडाइड मेडअप ऑफ फ्लैट एंड प्लेट ऑफ सबमेंटम एंड मैंटम दिखाई दे रहा है ये जो फ्लैट एंड प्लेट है जो कि हेड के साथ अटैच है उसको बोलते हैं सबमेंटम और इसके जस्ट नीचे की तरफ ही अटैच है मेंटम और जस्ट बिलो मेंटम इज़ प्री मेंटम यानी कि प्रोटोपोडाइट जो है वहां पर कार्डो और स्टाइप्स का बना होता है यहाँ पे पोस्ट मेंटम और प्री मेंटम का बना और प्री मेंटम से भी आप देखो ये बायरमएस अपेंडिज निकल रही है ठीक है ये जो अपेंडिज है ये बीच में आके फ्यूज हो गई है जिसको कहते हैं लिग्यूला क्या बोलते हैं इसको लिग्यूला और इसमें भी जैसे वहां पर लेसिनिया और गेलिया था इसमें भी अंदर की तरफ जो है वो है ग्लॉसा दिस इस पोर्शन इसको बोलते हैं ग्लॉसा आउटर साइड जो ब्लंट पोर्शन है इसको बोलते हैं पैरा ग्लॉसा वहां पे इनर गेलिया इनर ले, लेसिनिया आउटर गेलिया था ना तो इसी तरह यहाँ पर भी ग्लॉसा है एंड पैराग्लॉसा है जो कि एंडोबोडाइट का काम करते ठीक है ठीके? अब वहाँ पर देखो वहाँ पे पैल्पीफर था यहाँ पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं पैल्पिजर और पैल्पिजर से थ्री सेगमेंटेड जो है लेबियल पैल्प निकल के आ रही है विच इज़ गॉट सेंसरी हेयर ठीक है ना आगे समझ में अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट मैग्जिला यानी और लेबियम में तो जो बेस था वहाँ पर किसका बेस था प्रोटोपोराइट का वहाँ पे कार्डो और स्टाइप्स थे यहाँ पर क्या है पोस्टमेंटम एंड मेंटम प्रीमेंटम ठीक प्री है ये ना एक्सोपोडाइट ये तो हो गया एक्सोपोडाइट अब एंडोपोडाइट में यहाँ पर ग्लॉसा यहाँ पे लेसिनिया और गेलिया था यहाँ पर ये है ग्लॉसा और ये है पैरा तो यहाँ पे क्या है ग्लॉसा एंड पैरा ठीक है वहाँ पर आप देखो ये यहाँ पे मैगजलरी लेबियल पैल्प है जो कि थ्री सेगमेंटेड है और वहाँ पर जो है मैगजलरी पैल्प थी जो कि फाइव सेगमेंटेड थी राइट तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है इसीलिए इसको हम सेकेंड मैक्सिला भी बोलते हैं अब आप देखो ये सारे माउथ पार्ट्स जो हैं इस तरह सराउंड कर लेते हैं माउथ माउथ को तो यहाँ पे कैविटी बन जाती है जिसको कहते हैं प्री ओरल कैिटी एक सूडोसील भी है और इस प्री ओरल कैटी के सेंटर में देर इज अ स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज टंग और हाइपोफेरिंग्स ये आप देखो इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं इसको टंग भी बोलते हैं लोग लैंग्वेज uh, you know, uh, में और इसको जो है ग्लोसा भी uh, लिंगुआ भी बोलते हैं अब आप देखो कि ये जो लिंगुआ uh, uh, है या टंग है इफ यू सी ये प्रियोरल कैविटी में हैंग करती है और आप देखो इसकी साइड में देर इज अ डक्ट और इस डक्ट डक्ट uh, जो है दिस डक्ट सलाइवा सिक्रीट करती है ठीक है अब आप देखो जो लिंगुआ है या बेस एफ यूसी इसके पूरे सरफेस पर इस तरह लाइक स्ट्रक्चर है इन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुपर लिंगुआ ठीक है और इसका फंक्शन क्या है हाइपोफेरिंग्स का या टंग का दैट इट मिक्स सलाइवा इन द फूड एंड यू नो यू कैन से डाइजेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है फूड के साथ सलाइवा जैसे मिक्स होता है एंड इट हेल्थ इन रोलिंग द फूड आल्सो इन द औरल कैटी ठीक है तो ये जो माउथ पार्ट्स हमने स्टडी किए दीज माउथ पार्ट्स और यू कैन से यहाँ पर आप देखो तो ये जो कॉकरोच में अगर आप देखोगे तो बॉडी एक्सिस क्या है बॉडी एक्सिस तो ये है और माउथ पार्ट्स की डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ तो इस तरह के माउथ पार्ट्स को क्या बोलते हैं हाइपोगनाथस तो कॉकरोच में है जो है हाइपोगनाथस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है एंड uh, अगर टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स देखें तो उसमें बाइटिंग एंड चूविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आते हैं अब आपको बेसिक्स जो है ये जो बेसिक इफ़ यू सी दिज देर द बेसिक पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स और बाकी सारे जो माउथ पार्ट्स हैं वो इनकी मॉडिफिकेशन है तो एक बार आपको ये बेसिकली सारे याद हो जाएंगे ना कि किसकी लोकेशन कहाँ है और किसका क्या फंक्शन है तो मॉडिफिकेशन भी आप उनकी इजिली समझ में आ जाएगी राइट दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच